देखिए बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पोस्टमार्टम जो है खत्म हो गया है। जो डॉक्टर्स का पैनल है उन्होंने पोस्टमार्टम खत्म कर लिया है। जो पोस्टमार्टम रजिस्टर जिसके वीडियो अभी जो है हम जो है दिखा रहे थे, पोस्टमार्टम रजिस्टर में अब तमाम जो डिटेल्स हैं वो नोट की जाएंगी। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के बाद शव को शव वाहन में रखा जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। ये पोस्टमार्टम करीब 11:02 पर शुरू हुआ था और 1:05 पर यह पोस्टमार्टम खत्म हुआ है। ये जानकारी जो है अंदर से आई है। और ऐसे में पोस्टमार्टम के दौरान जो है उमर अंसारी भी मौजूद रहा है। बस कुछ ही देर के बाद शव को जो है शव वाहन में रखकर जो है गाजीपुर भेजने की पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। और आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि देखिए पोस्टमार्टम खत्म हो गया है और कुछ ही देर के बाद ये कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो बाहर अब निकलना शुरू होंगे और जो डॉक्टर्स का पैनल है वो भी बाहर निकलेगा। और चूंकि अभी जो लीगली जो कार्रवाई होती है, जो लीगल कार्रवाई होती है, जो दस्तावेज होते हैं उनको तैयार किए जाते हैं, चूंकि शव को यहाँ से भेजा जाना है, तो ऐसे में पोस्टमार्टम जो है वो जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब ये एक बात जो समझ आ रही है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो क्या सार्वजनिक की जाएगी या पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसको सील बंद करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि पोस्टमार्टम खत्म हो गया है और बस अब कुछ ही देर के बाद, देखिए महज अब 10 से 15 मिनट के बाद ये कहा जा रहा है कि जो लीगली कार्रवाई है, जो लीगल कार्रवाई होती है वो कंप्लीट की जाएगी। उसके बाद सीधे जो है शव को शव वाहन में रखा जाएगा और टीम जो है वो गाजीपुर रवाना हो जाएगी। महज 10 से 15 मिनट का वक्त और लगेगा। पोस्टमार्टम इस वक्त खत्म हो गया है और इस वक्त जो है पोस्टमार्टम करीब 11:02 पर पोस्टमार्टम शुरू हुआ था और 1:05 पर यह पोस्टमार्टम खत्म हुआ है। तो यह अंदर से जानकारी आई है और अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है करीब 2 घंटे के आसपास चली है और एक एक चीजों को जो है बिल्कुल जो है बारीकी से पोस्टमार्टम में किया गया। और एक बात जो सबसे खास बात है कि विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है। जैसा कि हमने पहले बताया था, दावा किया था, उसको जो है फिलहाल मजिस्ट्रेट ने आदेश किया था और विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है। चूंकि अगर कल को कोर्ट में कोई आपत्ति दर्ज कराता है तो यह बता दिया जाए कि विसरा को सुरक्षित किया गया है, तो विसरा को भी सुरक्षित कर लिया गया है। पोस्टमार्टम खत्म हो गया है और अब से कुछ देर के बाद यहां से जो डेड बॉडी है वो रवाना होगी और यहां से जो डेड बॉडी है वो शव वाहन चूंकि लग चुका है मर्चरी के बाहर, मर्चरी हाउस के ठीक बाहर, तो ऐसे में उसी शव वाहन में रखकर डेड बॉडी को जो है गाजीपुर रवाना किया जाएगा। जो पुलिस फोर्स है वो जो है साथ में मौजूद रहेगी। हर जिले की जो फोर्सेस है वो बाकायदा स्क्वाड करेंगी। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ठीक पीछे मर्चरी हाउस है और यहां पर पोस्टमार्टम जो है फिलहाल खत्म हो गया है और अंदर से अब कुछ देर के बाद जो तमाम डॉक्टर्स का पैनल है, जो मजिस्ट्रेट है, इसके साथ साथ जो पुलिस के अधिकारी थे, जो वीडियोग्राफर था, वो सभी जो है बाहर निकलेंगे और कुछ देर के बाद जो यहाँ पर हलचल है वो भी देखने को मिलेगी। फिलहाल चूंकि अभी सभी लोग जो है पोस्टमार्टम हाउस के अंदर हैं, सभी के साइन जो है वो जरूरी होते हैं। 7 पन्ने अलग अलग बनाए जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के और डॉक्यूमेंट्स पे जो है साइन कराए जाते हैं। हर एक व्यक्ति जो अंदर मौजूद होता है उसका साइन होता है और उसमें जो है उसको सब चीज़ें पॉइंट्स पढ़ने के बाद 21 पॉइंट बनाए जाते हैं पोस्टमार्टम के, उन सबको पढ़ने के बाद साइन कराए जाएंगे और उसके बाद लीगली जो है वो बॉडी जो है वो जो है पुलिस अपने हैंड ओवर में ले लेगी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि उमर को जो है साथ में जाने की राहत दी गई है, तो माना जा रहा है कि उमर का जो चचेरा भाई है वो एम्बुलेंस में बैठ सकता है और उमर अपनी गाड़ी से जा सकता है साथ में काफ़ी लेके, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एम्बुलेंस में उमर भी बैठ के जाए। तो ये फिलहाल अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि एम्बुलेंस में मुख्तार की डेड बॉडी के साथ कौन बैठ के जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल पोस्टमार्टम खत्म होने की जो सूचना है वो सामने आ चुकी है। बिल्कुल। और विशाल, अब क्या कहा जाए, अब कितना वक्त और लग सकता है कि बाकी की जो प्रक्रिया होगी उसमें? देखिए बस आपको बता दें कि अगले 10 से 15 मिनट के बाद जो है ये पूरी जो प्रक्रिया है इस पर जो है अब फिलहाल जो है अब कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मतलब अब जो लीगली काम होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो शुरू हो जाएगा। पहले जो पोस्टमार्टम रजिस्टर होता है उसमें पूरा डिटेल नोट किया जाता है कौन कौन कब